ऐसी ही रहस्यमय दुनिया थी बाबा वेंगा की, जहां भविष्य का अंधेरा भी एक अदृश्य शक्ति की रोशनी से जगमगा उठता था। बाबा वेंगा बचपन से ही नेत्रहीन थी, यानी वो देख नहीं सकती थी। उनकी आंखों ने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखा था, लेकिन मन की आंखों से उन्होंने 3000 सालों में इंसान का भविष्य देख लिया था। और साल 2024 पर भी बाबा वेंगा ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। नॉस्ट्रेडामस ने भी आने वाले साल पर बहुत कुछ कहा है, और ये सब कुछ अब हम आपको बताने वाले हैं। साल 2022 पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हुई। साल 2023 पर नॉस्ट्रेडामस ने जो कहा था वो भी सही हुआ। अब साल 2024 की भविष्यवाणियां दुनिया के 8 अरब लोगों को डरा रही हैं। आखिर क्या है साल 2024 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां? आखिर क्यों 2024 की भविष्यवाणियां दुनिया को डरा रही हैं? चाहे बात करें यूक्रेन युद्ध की, या बात करें इजराइल और हमास के युद्ध की, ऐसी भविष्यवाणियां जो न सिर्फ सच हुई बल्कि बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडामस ने आने वाली दुनिया को सावधान भी किया है। क्या है ये रहस्य, और इन रहस्यों की परत दर परत खोलने के लिए हमने कई सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, कई किताबों का अध्ययन भी किया है, और ये पता लगाया है कि 2024 का साल इंसानी दुनिया के सामने कौन सी मुसीबतें और चुनौतियां लेकर आया है। नॉस्ट्रेडामस की रहस्यमयी कविताओं को डिकोड करने वाले दुनिया के कई एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि नॉस्ट्रेडामस ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का साल 2024 ही बताया है। जैसे जैसे साल 2024 नजदीक आ रहा है, पूरी दुनिया में चीन से जुड़ी नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां अमेरिका और यूरोप के अखबारों में खूब छापी जा रही हैं। दरअसल नॉस्ट्रेडामस ने संकेत किया है कि चीन एक नौसेना युद्ध शुरू कर सकता है। नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों से यह संकेत निकलता है कि चीन हिंद महासागर के अंदर और चीन सागर के अंदर अपने दुश्मनों को नेस्तोनाबूद करने के लिए बड़ा नौसेना युद्ध छेड़ सकता है। चीन के इस युद्ध का टारगेट ताइवान हो सकता है, लेकिन क्या यह सिर्फ ताइवान युद्ध की भविष्यवाणी है, या फिर भूमध्य सागर में एक बहुत बड़ा नौसेना टकराव नाटो और रूस चीन गठबंधन के बीच हो सकता है? इस सवाल का भी जवाब आपको आके देने वाले हैं। नॉस्ट्रेडामस ने अपनी भविष्यवाणियां पहेलियों के रूप में की हैं, और इन पहेलियों का अध्ययन दुनिया के कई महान विद्वानों ने किया है। उन्हीं में से एक हैं केन बेस्ट, जिन्होंने नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों पर कई किताबें लिखी हैं। इन्हीं में से एक किताब है नॉस्ट्रेडामस प्रेडिक्शंस एंड वर्ल्ड वॉर 3। नॉस्ट्रेडामस ने तीसरे विश्व युद्ध पर 181 छंद लिखे हैं। इस किताब में वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी टाइमलाइन का जिक्र है। नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों पर लिखी गई केन बेस्ट की इस किताब नॉस्ट्रेडामस प्रेडिक्शंस एंड वर्ल्ड वॉर 3 में आगे लिखा है कि अमेरिका चीन से यूरोप की सुरक्षा के लिए अपने 5 युद्धपोत भूमध्य सागर में भेजेगा। इन युद्धपोतों में कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी होंगे ताकि यूरोप की सुरक्षा हो सके, लेकिन चीन और रूस के जंगी बेड़े अपनी नौसेना परमाणु मिसाइलों से अमेरिका के 5 के 5 युद्धपोत डुबो देंगे। यानी नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों पर केन बेस्ट ने जो निष्कर्ष निकाला है उसके मुताबिक
भूमध्य सागर में बड़ा नौसेना युद्ध होगा और अमेरिका के 5 युद्धपोत डूब जाएंगे और इन युद्धपोतों पर हमले में चीन की नौसेना भी शामिल होगी। अब जरा आज की परिस्थितियों पर गौर कीजिए। अगर हम हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध को देखें तो ये साफ पता लगता है कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर के अंदर अपने 2 युद्धपोत भेज दिए थे। यानी नॉस्ट्रेडामस ये इशारा करते हैं कि भूमध्य सागर के अंदर एक बड़ा नौसेना युद्ध हो सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। अगर हम साल 2023 की घटनाओं पर गौर करें तो नॉस्ट्रेडामस की साल 2024 की भविष्यवाणियों को बहुत आसानी से डीकोड कर सकते हैं। बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडामस ने कहा था उनके संकेत यमन के हूथी संगठन की कार्रवाई से भी मिल रहे हैं। जब हूथी ने भूमध्य सागर से ही कई ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की तरफ फायर कर दी थी, लेकिन हूथी संगठन के इन ड्रोन और मिसाइलों को अमेरिका की युद्धपोत की तरफ से नेस्तोनाबूद कर दिया गया था। यानी साफ संकेत है कि भूमध्य सागर का पूरा इलाका एक नया वॉर जोन बन सकता है। साल 2023 में सुर्खियां बटोरने वाला भूमध्य सागर साल 2024 में भी हेडलाइंस में रह सकता है। अगर हम दुनिया के नक्शे में भूमध्य सागर की लोकेशन को देखें तो इसके सामरिक और व्यापारिक महत्व का भी पता लगता है। यूरोप के तमाम देश जो खुद को अमेरिका के ब्लॉक से जोड़ते हैं इसी भूमध्य सागर के किनारों पर बसे हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका यूरोप और नाटो के तमाम देशों की सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए अक्सर अपने युद्धपोतों को यहाँ पर तैनात रखता है। नॉस्ट्रेडामस की ये भविष्यवाणी कि समंदर में युद्ध का संकट आने वाला है इसलिए भी अहम है क्योंकि यमन के संगठन हूथी ने ऐलान किया है कि अब वो लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप को निशाना बना सकता है। ये जहाज इजराइल के हैं या फिर किसी और देश के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हूथी ने अपनी क्रूज मिसाइलों से हमला करके यूरोप के एक नहीं कई कार्गो शिप को आग में जला दिया। बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास का गाजा युद्ध दरअसल थर्ड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है। जब आकाश में मंगल अस्त होगा, शुरू होगा 7 महीने का भयंकर युद्ध। बुरी मौत मरेंगे हजारों लोग, लेकिन उनका तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। दरअसल नॉस्ट्रेडामस ने अब तक कई ऐसी भविष्यवाणियां सैकड़ों साल पहले कर दी जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है, जिन्हें अभी भी सालों से डिकोड किया जा रहा है। यहां बताते हैं कि हर एक शब्द का आखिर क्या कुछ डिकोड करने के बाद रहस्य सामने आता है, रहस्य पर से पर्दा उठता है। नॉस्ट्रेडामस ने अपनी किताब सेंचुरीज में हमास और इजराइल के बीच जो ये महाजंग हो रही है, जो ये महायुद्ध हो रहा है, उसका संकेत आज से सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। अब सवाल इस बीच ये उठता है कि आखिर नॉस्ट्रेडामस की इस पहेली का मतलब क्या है जो एक एक शब्द में यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले जब आकाश में मंगल अस्त होगा, ध्यान से सुनिए, जब आकाश में मंगल अस्त होगा तब भयंकर युद्ध होगा। ज्योतिष के विद्वानों का कहना है कि 24 सितंबर को मंगल अस्त हुआ और 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच महायुद्ध शुरू हो गया, जिसमें हमास ने शक्तिशाली देश इजराइल पर खौफनाक खतरनाक हमला कर दिया। ये नॉस्ट्रेडामस की वो भविष्यवाणी है जो यकीनन सच भी साबित हुई है, क्योंकि हकीकत इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन इसी भविष्यवाणी की आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति भी आप देखिए, उन लोगों का तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। राजा हमेशा से यही चाहता है कि जीत उसी के खेमे में आए, उसी के पाले में आए, लेकिन यहां पर शायद इस बात का यह संकेत नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी देती है कि युद्ध में इजराइल को पूर्ण विजय हासिल नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो टक्कर इजराइल के हाथों में आएगी जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। अब
अगर गाजा युद्ध पर की गई इस भविष्यवाणी पर गौर करें तो नास्त्रेदमस की बात सही नजर आती है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक करीब 1,00,000 लोग हताहत हो चुके हैं और हमास ने अब भी इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। इससे साफ पता चलता है कि हमास के पास अभी भी ताकत बरकरार है। नास्त्रेदमस ने साल 2024 पर और भी कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। इनमें से एक भविष्यवाणी परमाणु ठिकाने पर आतंकवादी हमले को लेकर भी है। इन भविष्यवाणियों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे बाबा वेंगा के उस बहुत ही खतरनाक भविष्यवाणी की जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर की गई है। बाबा वेंगा ने राष्ट्रपति पुतिन पर भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणी ये है कि साल 2024 में रूस से पुतिन का राज पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि साल 2024 में पुतिन पर एक जानलेवा हमला होगा और ये हमला कोई और नहीं बल्कि रूस का ही एक नागरिक करने वाला है। इस हमले के बाद रूस में सत्ता बदल जाएगी और रूस का राष्ट्रपति पुतिन नहीं कोई और शख्स होगा। ये भविष्यवाणी सुनकर दुनिया चौंक गई। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी पर दुनिया भर में कई दावे किए जा रहे हैं, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों में पुतिन के खात्मे की चर्चा की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबा वेंगा की हर भविष्यवाणी सच होती है? साल 1939 में जब बाबा वेंगा की उम्र 28 साल की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की सेनाएं यूरोप से लेकर अफ्रीका तक के हिस्सों को रौंदने लगी। उस वक्त लाखों की संख्या में सैनिक लापता हो रहे थे। ये लापता होने वाले सैनिक जिंदा हैं या फिर नहीं, ये पता लगाने के लिए लोग बाबा वेंगा के पास आने लगे। यहीं से धीरे धीरे बाबा वेंगा पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सही साबित होती चली गई। बाबा वेंगा ने कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अश्वेत होगा और वाकई में अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट बराक ओबामा बने, जो अफ्रीकन अमेरिकन मूल के हैं। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी ये भी की थी कि अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगा। बात सही निकली और ट्रंप कोरोना से संक्रमित हुए। लेकिन साल 2022 में बाबा वेंगा की उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हुई जब 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तब दुनिया के तमाम अखबारों में यह खबर छपी कि रूस और यूक्रेन युद्ध की बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में कई बार पुतिन का जिक्र हुआ है। साल 1979 में ही वेंगा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे और ये बात साबित हो गई कि यूक्रेन के युद्ध में आज 30 देश पुतिन के दुश्मन हैं और पुतिन एक ताकतवर शख्सियत बनकर पूरी दुनिया में उभरे हैं। यही नहीं, साल 2022 को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि पुतिन पर जानलेवा हमला होगा और ये बात भी बिल्कुल सही निकली। साल 2022 के अगस्त में पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ था। यही नहीं, साल 2023 में भी रूस के राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हो चुका है। लेकिन अब 2024 के लिए बाबा वेंगा की पुतिन का राज खत्म होने की भविष्यवाणी चर्चा में बनी हुई है। लेकिन बाबा वेंगा ने साल 2024 के लिए इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक भविष्यवाणी की है। खास तौर पर यह भविष्यवाणी यूरोप के करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज्यादा डराने वाली है। बाबा वेंगा ने अपने जिंदा रहते हुए ये कहा था कि साल 2024 में यूरोप में कई बड़े आतंकवादी हमले होंगे। ये हमले इतने बड़े होंगे कि युद्ध की जैसी तबाही लेकर आएंगे। बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया में हुआ था और नास्त्रेदमस का जन्म फ्रांस में हुआ था।
लेकिन कई बार इन दोनों की भविष्यवाणियां एक जैसी नजर आती हैं। एक तरफ बाबा वेंगा ये कह रहे हैं कि यूरोप में बड़े आतंकवादी हमले होंगे और वहीं दूसरी तरफ नॉस्ट्रोडेमस ने संकेत किया है कि यूरोप के परमाणु ठिकानों पर आतंकवादी हमले होंगे। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, बाबा वेंगा ने परमाणु ठिकानों पर आतंकी हमले की भविष्यवाणी की है। नास्त्री थॉमस ने अपनी किताब लेस प्रोफेसीज द सेंचुरीज में लिखा है, तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट एक बहुत बड़ी घटना होगा जिसमें परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। पर होंगे आतंकी हमले, आग की लपटों में दुनिया जलेगी, चीन और रूस से डरेगा यूरोप। ये संकेत अब देखिए किस तरह से नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में किए, जिसे जब डिकोड किया गया तो एक खौफनाक तस्वीर हकीकत के तौर पर सामने आई। हम कभी नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जो डिकोड करने के बाद यहां पर सामने आया है, और शायद दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा हो। लेकिन नॉस्ट्रेडमस ने लिखा जो है वो हकीकत सबूत के तौर पर वक्त वक्त पर सामने आती रही है। आने वाले कुछ सालों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और इस विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट होगा यूरोप के परमाणु ठिकानों पर हुआ आतंकी हमला। चीन और रूस से यूरोप डरेगा, यानी कि किस तरह से वो ताकत यहां पर बढ़ेगी जो बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के भी रोंगटे खड़े कर देगी, उन्हें भी खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर देगी। नास्त्री थॉमस की भविष्यवाणियों को डिकोड करने वाले केन बेस्ट ने अपनी किताब में लिखा है, किन आतंकवादियों को हथियार और ट्रेनिंग रूस देगा? सीरिया की एक घाटी में इन आतंकवादियों को परमाणु ठिकानों पर हमला करने की ट्रेनिंग 10 साल तक दी जाएगी और ये आतंकवादी नाटो के परमाणु ठिकाने बर्बाद करके यूरोप की ताकत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे और इसके बाद रूस और चीन की मिलिट्री मिलकर यूरोप पर भूमध्य सागर के रास्ते हमला कर देगी, केन बेस्ट ने अपनी किताब में लिखा है। रूस का एक शासक जो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट होगा, वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन को लेकर अपने साथ करेगा। चीन और रूस की सम्मिलित सेनाओं से दुनिया डर जाएगी, लेकिन यूरोप के देश बहुत कमजोर हो जाएंगे क्योंकि आतंकवादी पहले ही उनके परमाणु भंडारों को धमाके से खत्म कर देंगे और इसके बाद अमेरिका के वॉरशिप पर परमाणु हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। नास्त्री थॉमस से भी आगे बढ़कर बाबा वेंगा ने तो साल 5079 तक की भविष्यवाणियां की। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2024 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, इतना बड़ा आर्थिक संकट कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। विश्व में बढ़ रहे तनाव और युद्ध के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। साल 2024 पर बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी साइबर अटैक को लेकर है। साल 2024 में दुनिया भर में साइबर अटैक बहुत बढ़ जाएंगे। साइबर हैकर्स पावर ग्रिड और जल संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण चीजों पर भी हमले कर सकते हैं। वेंगा ने यह भी कहा है कि साल 2024 में दुनिया के कुछ हिस्सों में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी सामने आ सकती है। इसकी वजह से दुनिया में कठिन हालात पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, साल 2024 में होने जा रहे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर भी नास्त्रेडमस ने संकेत किए हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी और अस्थिरता फैल जाएगी। नास्त्रेडमस ने साल 2024 को लेकर एक और चौंकाने वाली बात कही है। नास्त्रेडमस की माने तो साल 2024 में दुनिया को नए पोप मिल सकते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो पोप फ्रांसिस 86 साल के हो चुके हैं। वहीं ब्रिटेन में भी साल 2024 में बड़े बदलाव के संकेत नास्त्रेडमस ने किए हैं। नास्त्रेडमस ने संकेत किया है कि आइजल्स के किंग को बलपूर्वक बाहर निकाला जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नास्त्रेडमस ने किंग चार्ल्स 3 को आइजल्स का किंग कहा है। चार्ल्स के बारे में एक अन्य रहस्यमयी कविता में नास्त्रेडमस लिखते हैं कि जल्द ही एक विनाशकारी युद्ध के बाद एक नए राजा का राज्याभिषेक किया जाएगा।
जो लंबे समय तक पृथ्वी को खुश करेगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर शोध करने वाले कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किंग चार्ल्स III खुद ही पद छोड़ देंगे और विलियम के बजाय हैरी उनकी जगह राजा बनेंगे।